हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी रसोई में। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ मिनी नमक पारे की रेसिपी। आप इसको निमकी भी बोल सकते हैं। तो ये नमक पारे जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खस्ता भी बनते हैं। तो इस रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। इसी मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी, जिससे कि आप आसानी से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आप भी नमक पारे की रेसिपी को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए फिर बिना देरी के रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो नमक पारे बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले मैदा चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरे मैदा ले लिया हुआ है। ये मैदा जो है 250 ग्राम है। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे बारीक वाली सूजी, ये लगभग 4 चम्मच है। तो मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी ले लिया है। इसके बाद हम इसमें सूजी को ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पे 1/4 टीस्पून कलौंजी ऐड करेंगे, इसको मंगरेल भी बोला जाता है। और इसको ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड कर देंगे। अजवाइन ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर लेंगे। और नमक ऐड करने के बाद इसके बाद हमें यहाँ पे घी इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि हमारे नमक पारे जो हैं बहुत ज़्यादा खस्ता बन करके तैयार रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे घी ले लिया हुआ है, ये लगभग 5 बड़े चम्मच है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे घी को इसमें ऐड कर देना है और इसको बिना पानी डाले ड्राई मिक्स कर लेंगे घी के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने घी को इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे घी के जगह आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ऑयल इस्तेमाल करने से आपके नमक पारे जो हैं बहुत ही ज़्यादा खस्ता नहीं बन करके तैयार होंगे। इसको खस्ता एंड क्रिस्पी बनाने के लिए हमें यहाँ पर घी का ही इस्तेमाल करना है। इससे टेस्ट जो है टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे ये अच्छे से बंद भी जा रहा है। तो बिल्कुल परफेक्ट है मोयन इसमें। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक मीडियम लो लगा कर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे डो लगा करके तैयार कर लिया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट था आटा। इसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुका है। इसके बाद हमें इसको एक बार और अच्छे से नीड कर लेंगे, जिससे कि हमारा आटा जो है बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा और अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आटा जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसके बाद हम इसको अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। इसके बाद हमें यहाँ से 4 टुकड़े कर लेंगे और इसको 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे। और अब हम चलते हैं इसको नमक पारे बनाने की प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे एक लोई ले लिया हुआ है, इसको हम गोल कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में, इसी तरीके से हमें इसको रोल कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे लोई बना लिया था। इसके बाद हम इसको रोल कर लेंगे और इसको बिल्कुल पतला रोल करना है, जैसे आप रोटी बनाते हैं उतना ही पतला इसको रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको रोल कर लिया है। अब हम इसको फटाफट से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल करके रख लेंगे। मैं यहाँ पर एक लोई और बना करके दिखा देती हूँ आपको। तो हमें यहाँ पे लोई बना करके इसको पतला रोल कर लेना है, जैसे हमने पहले वाला रोल किया था।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको भी रोल कर लिया है। इसको हम फटाफट से कट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको बड़े बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं, जिससे कि आपके बड़े वाले नमक पारे बन करके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कट करके तैयार कर लिया है। इसके बाद हम इसको गरम गरम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर तेल गरम होने के लिए रख दिया था। इसके बाद हम इसको इस तेल में डाल करके फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हमें फ्लेम को हाई ही रखना है और तेल जो है अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे नमक पारे जो है अच्छे से फ्राई होने लगे हैं। इसके पहले भी मैंने कई सारे नमक पारे और मट्ठी की रेसिपी शेयर किया हुआ है। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे नमक पारे जो हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है, गोल्डन कलर आ गया है इसमें। और इस रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये नमक पारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके रेडी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने नमक पारे को बाहर निकाल लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर दूसरी बार भी ऐसे ही फ्राई करके बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे नमक पारे जो हैं बिल्कुल बंधे हुए हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तेल में जाने के बाद बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और फ्लेम को हमें हाई रखना है और इसके बाद हमें इसको एक पलटे की मदद से इसको चला देना है, जिससे कि नमक पारे जो हैं अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे नमक पारे जो हैं अलग अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे दूसरी बार वाला नमक पारे भी अच्छे से बन करके रेडी हो चुका है। तो इसी प्रोसेस से सारे नमक पारे को बना करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे गरम गरम नमक पारे बन करके रेडी हो चुके हैं। और ये नमक पारे बहुत ही ज़्यादा खस्ता एंड क्रिस्पी बने हुए हैं। तो इस रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी टेस्टी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में।